सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है अब देश का फोकस। जम्मू कश्मीर के सीमान क्षेत्रों में रैलियां करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 1 अक्टूबर को राजौरी 2 को उत्तरी कश्मीर में आएंगे। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, का अध्यक्ष पद के लिए लड़ूंगा चुनाव, गैर गांधी ही संभालेगा जिम्मेदारी। अरदीम बागची का बड़ा बयान, भारतीयों पर हमले को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों के संपर्क में है उच्चायोग, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई की मांग। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ओर आपूर्ति के लिए 1700 करोड़ का समझौता, रक्षा मंत्रालय ने बीपीएल के साथ की डील। गोवा पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने 22 अवैध बांग्लादेशों की पहचान की, केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट। भगवान की मूर्ति को छूने पर दलित लड़के की पिटाई और परिवार पर जुर्माना, पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। छापेमारी के विरोध में पीएफआई समर्थकों का बवाल, बंद के दौरान कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त, पेट्रोल पंप भी फूंका। तमिलनाडु के कोयंबटूर में भाजपा कार्यालय पर अराजक तत्वों ने फेंक पेट्रोल बम, सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों की पहचान की कोशिश। पीएफआई के खिलाफ देश भर में छापेमारी के बाद एनआईए ने कहा, पीएफआई की हिंसक गतिविधियों को लोगों के मन में पड़ रहा है बुरा प्रभाव। छापेमारी के बाद पीएफआई पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, सीएए विरोधी आंदोलन और दिल्ली दंगे को लेकर भी है आरोप। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील, कहा आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुकूल है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। राज्य में कोई भी बिना अनुमति के नहीं कर सकता है बंद का आह्वान, केरल हाईकोर्ट। दिल्ली सरकार के अतिथि शिक्षक भर्ती मामले की होगी जांच, एलजीवी के सक्सेना ने दिए आदेश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कानून की उड़ी धज्जियां, केरल हाईकोर्ट भड़का, पूछा क्या सरकार ने बंद कर ली है आंखें। भागलपुर एसएमओ ने किया नवगछिया अनुमंडल का निरीक्षण, टीबी सेंटर पर कर्मी थे अनुपस्थित। भागलपुर में 20 अक्टूबर को नगर निकाय का चुनाव, एमएससी ने सभी थाना प्रभारी को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। बिहार में जारी है डेंगू का कहर, कैमूर में मौसम बदलते ही लोग होने लगते हैं डेंगू के शिकार। नवादा में पुल के नीचे मिला एक नवजात शिशु का शव, फैली सनसनी।
भागलपुर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, बच्चे को गड्ढे में फेंका। पिरपैंती प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकंडा का मामला, शिक्षक द्वारा छात्रों से फॉर्म भरने के नाम पर वसूली, वीडियो वायरल। चंदौली में पेट्रोल पंप पर चोरी और लॉकर तोड़ने का प्रयास, चोरी की घटना पर पंप पर लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई। चौबीस सितंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमीरपुर दौरा, लखनऊ से जालौन के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। हमीरपुर रेलवे प्रशासन और ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई, रेलवे अंडर ब्रिज में भरा पानी। कानपुर में मां